यहाँ में जो भी हमारा ओकरा है, सीएम है, एमडीसी है, मेरे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांकल, यूथ प्रेसिडेंट रुनिल देवपारका और अपना टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट सपना, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एक्स प्रेसिडेंट, चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातिया, सब लोग हैं। कहां दे? यहां में बहुत मीडिया भी है। मैं मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं। आज से 4-5 महीने पहले यहां में एक नेशनल पार्टी का मीटिंग हुआ था इसी मोटर स्टैंड में, आपने कवर भी किया होगा। नड्डा जी आए थे खुमुलो और आज हम लोगों का गुरु भी ब्रदर खुमुलो आया है। आप देख लो सपोर्ट किसके पास है। उनके पास पैसा है, मुबादरा के पास है। यहाँ में आप लोग बहुत देर से वेट कर रहा है और मुबादरा आप सबको अच्छे तरीके से 3-4 बात करना चाहता है। सबसे पहले आपको बुबागरा का बात सुनना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है महाराजा, कॉम्प्रोमाइज करके अलायंस कर लो। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ग्रेटर तिपरा लैंड को छोड़ना चाहिए। आज तक सब आंचलिक पार्टी इलेक्शन का पहले बड़ा बड़ा बात करता है, इलेक्शन के पहले जोड़ करके अपना ही तिपरासा को बेच देता है, मुबादरा को बेचना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इतना प्यार किया है आपने हमको, इतना इज्जत दिया है, सम्मान दिया है आपने मुबादरा को। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो मुबादरा को लॉलीपॉप देकर थानसा तोड़ने का बात कर रहा है ना, लॉलीपॉप देकर, अपना राजा अपना देश को कभी नहीं बेचता है। मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। हम लोगों का गुरु भी बदल और त्रिपुरा में जो भी महिला हो, इज्जत कभी बुरी को नहीं दिया गया। इतना रैली होता था, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था, बुरी लोग आता था, लेकिन मंच में बुरी को भाषण देने के लिए सिर्फ एक या दो। इसके लिए मुबादरा ने बुरी बदल को, टीडब्ल्यूएफ को बोला कि खुमुलुंग में एक प्रोग्राम होना चाहिए जहां में सिर्फ बुरी बात करेगा। फोकस हम लोगों का बुमा बुरी के ऊपर आना चाहिए। ये यहां में जो हम लोगों का एमडीसी है, ईएम है, नेता लोग हैं, ये किनका वोट से बना है? हम लोगों का बुमा बुरुई का वोट से, आशीर्वाद से बना है। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए मैंने इस बार सिर्फ बुरुई का टीडब्ल्यूएफ का कॉन्फ्रेंस किया, रैली किया, क्योंकि मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूं कि
अगर आप पिपरासा और ग्रेटर पिपरा लैंड को धमकी देकर कम करने का कोशिश करेगा तो उसके लिए हम लोगों का बुरोई आपको जवाब देगा, भूमा लोग जवाब देगा। आप लोग ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है, आप लोग ने बहुत अपना दिल से आपने बुबागरा को समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। हम लोगों का बुरोई लोग, हम लोगों का बुमा लोग, आप लोग गरीब है लेकिन तभी भी पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है, तभी भी हम लोगों का औरत लोग, महिला लोग आकर हमको गांव में भांगुई देता है, कहीं में फूल देता है। इतना प्यार दिया आपने हमको। जब मैं बीमार था, एक महीने से मैं बीमार था, हमको आप लोग ने फोन किया, कहीं में प्रार्थना किया, कहीं में पूजा किया, कभी मंदिर में किया, कभी चर्च में किया, कभी बुद्ध मंदिर में किया, कभी मस्जिद में किया, लेकिन आपने हमको प्यार किया। आज यहाँ में खुमुलुंग में बुबागरा आज आपके सामने बात कर रहा है ना, क्योंकि आपका प्यार के लिए बुबागरा यहाँ में आया है, आपको प्यार के लिए आया है। और मैं जानता हूं कि मैं बीमार हूं, दुश्मन को लगता है कि अरे महाराजा तो बीमार है, कमजोर है, महाराजा तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस बार पिपरा सा हार जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि बुबागरा का एक ही विधि है, वो विधि बिलाइट में नहीं मिलेगा, वो विधि आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, वो विधि आपको कलकत्ता चेन्नई में नहीं मिलेगा, वो विधि बुबागरा को पिपरासा से मिलेगा। वो विधि क्या है? ये विधि कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, ये विधि सिर्फ पिपरासा दे सकता है। आप लोग जो कॉक गोरख नहीं समझता नोट कर लो, खानसा एकता, ये एकता से महाराजा हो, पिपरा मथा हो, हमारा वॉरियर्स हो, हम लोग फाइट करेगा, आखिरी दम तक फाइट करेगा, अपना लोगों को पीछेगा नहीं। बहुत नेता लोग बड़ा बड़ा बात करता है, मैं आपको बोलता हूं मैं बीमार हूं, ये लोग पैसा ऑफर करता है, मुख्यमंत्री का पद ऑफर करता है, एमपी होने का पद ऑफर करता है, आपका बुबागरा, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, आपका बुबागरा पूरा जिंदगी जिंदा नहीं रहेगा, मैं पूरा जिंदगी जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब मैं मरूंगा तो ये पैसा लेकर ऊपर जाऊंगा, अपना नुमा लेकर मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, जब मैं मरूंगा तो मुझे बोलना है, लोगों को बोलना चाहिए कि ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य ने अपने कम्युनिटी, अपने तोहफा के लिए फाइट किया था, मरने से पहले आपका आशीर्वाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, ये इंसान टूटता नहीं है। विजय बाबू, अनिमेश, पूर्णो, जगदीश बाबू, बुखार था, बीमार था, अगर मैं अकेला उनके साथ एमएलए से फाइट करके मैं मर के भी आपको आपका अधिकार देके रहूंगा। बीमार होने के कारण भी अपने बारे नहीं सोचता है, अपना पुरोय, अपना भूमा, अपना पिपरासा, अपना पिपराजा के लिए बात कर रहा है। आपको बात करना है तो राइटिंग में लेके आओ कि आप हमको क्या दे सकता है। आपका बात को मैं विश्वास नहीं करता हूँ,
ये नेता का बात विश्वास करना चाहिए। राइटिंग में दो आप लोग तो एजुकेटेड है, लिटरेट है, राइटिंग में दो आप हमारा पिपरासा को क्या अधिकार देगा। राइटिंग में नहीं दिया, राइटिंग में नहीं दिया तो बुबागरा को खरीदने का कोशिश मत करो। बुबागरा को लॉलीपॉप देकर पिपरासा से दूर मत करो। ये फाइट मेरा नहीं है, ये फाइट मेरा 13 लाख पिपरासा का है। गलत बोल रहा हूं, ये राज्य में बाइक वाहनी घूमता है, ये राज्य में हम लोगों का औरत का बलात्कार होता है, बलात्कार बंगाली का भी होता है, मणिपुरी का भी होता है, पिपरासा का भी होता है, औरत का होता है। यहां में कोई अरेस्ट होता है, वीआईपी बनकर सब बच जाता है। यहां में जब नशा आता है तो हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद होता है। यहां में कोई बोलता है, ये बहुत बहुत मजे का बात है, किसी ने बोला बुबागरा आप पट्टा क्यों दे रहे हैं? आज ओएनजीसी का ओएनजीसी कहां से गैस निकालता है, किसका एरिया से निकालता है ओएनजीसी गैस? एडीसी एरिया से। पैसा कहां जाता है? सोनू निगम का कॉन्सर्ट। हम लोगों का स्कूल में आप एक किताब नहीं दे सकता है बच्चा को, लेकिन सोनू निगम का कॉन्सर्ट में स्पॉन्सरशिप होता है, एनजीओ में स्पॉन्सरशिप होता है। आज हमारा बुरी लोगों को नौकरी मिल रहा है, कुछ मिलता है। हम बोलता है कि पिपरासा को पट्टा दो, जमीन दो, अधिकार दो, क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन नेशनल हाईवे बनेगा, पट्टा नहीं है, पर्चा नहीं है। बुबागरा आज बोल रहा है यहां में, जिस दिन पिपरा मोथा पावर में आया ना, डुम्बूर का पानी को भी सुखा के हम अपना जमा के और यहां को जगा दें। आप लोग हम लोग का जमीन से सब लेता है, हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है हम लोगों को? गलत बोल रहा है, यहां में मुसलमान है, क्या मेरा किसने बोला, किसने धर्म का राजनीति किया? अगर मुसलमान दाढ़ी लगाता है तो बोलता है ये मुसलमान है, विराट कोहली का दाढ़ी ठीक है। एससी कितना नकली एससी सर्टिफिकेट यहां में है कोई पूछता है? नहीं। यहां में जो सीपीएम का सपोर्टर है मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सपोर्टर है मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 2 साल से आपका वर्कर को पीटा गया, 2 साल से यहां में पीस डिसेंट टू दिस, 2 साल से कांग्रेस का लीडर को पीटा गया। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि पिपरा मोथा का एक भी वॉरियर को बीजेपी का वर्कर लोग छू नहीं सका, क्योंकि हम लोग अपना लोगों का रक्षा कर सकता है, डरता नहीं है। आज पिपरा मोथा अकेला पार्टी है जो चैलेंज कर सकता है कोई पार्टी को। आप देख रहे हो वाईपीएफ में एयरपोर्ट से लेकर खुमुलुम तक 10,000 पिपरा सा वाईपीएफ टाइप में आया है। हम लोगों को कोई धमका नहीं सकता है। आप लोग डर डर के कब तक जियोगे? डर डर तक कब तक जियोगे? मैं बोल रहा हूं एक हो जाओ, एक आवाज में जवाब देना सीखो। आपको कोई अटक नहीं कर सकता है। पूरा त्रिपुरा में बुबागरा त्रिपुरा में था आपको रक्षा कर सकता है। उनके पास पुलिस है, पुलिस भी पूरा जिंदगी उनके साथ नहीं रहेगा। जिस दिन पावर से गया 5 मिनट में पुलिस भी उनके खिलाफ हो जाएगा। ये जो ड्रग माफिया है ना, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, कौन
कौन उसको प्रोटेक्शन देता है? मीडिया। आप कभी नहीं पूछते, आप लोग डरता है मीडिया, गोदी मीडिया हो गया। कौन है ये ड्रग का सप्लायर? आप लोग छोटा छोटा लोगों को पकड़ता है। पकड़ना है तो बड़ा मछली को पकड़ो जो अगरतला में बैठे हैं। नशा भूख, अरे नशा भूख का लीडर तो आप लोग पार्टी में बैठा है, पहले उसको अरेस्ट करो। ये जुमला, अभी फिर से इलेक्शन होगा, रेगा बढ़ जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, ये सब धोखा। क्या चाहिए प्रशासन को? अधिकार। क्या चाहिए प्रशासन को? हाँ। क्या चाहिए प्रशासन को? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। शासन कब होगा? थम्स अप। बुबागरा, आज पहली बार आपको एक बात बोलने वाला है, मैं पूरा जिंदगी नहीं रहूंगा, मैं जानता नहीं हूं मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन आंसू नहीं चाहिए हमको। गुरु गुमा को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बुबागरा पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट आपके लिए है, आप मेरे साथ है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप इस बार नहीं एक हुआ ना, इस बार अगर आईपीएफ की मोथा एक नहीं हुआ, इस बार पिपरासा का थानसा नहीं हुआ, इस बार अगर बंगाली, पिपरासा, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एक नहीं हुआ ना, हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, आज यहां में बाइक वाहिनी घूम रहा है, आज यहां में कोई हॉस्पिटल के बारे बात नहीं करता है, मंदिर के बारे बात करता है, आज कोई यहां में स्कूल के बारे बात नहीं करता, मस्जिद के बारे बात करता है, यहां में हम लोग पाकिस्तान चाइना के बारे में बात करता है, लेकिन बांग्लादेश के बारे जो बॉर्डर खुला है उसके बारे कोई बात नहीं करता है। यहां में क्या चल रहा है? ये त्रिपुरा बर्बाद हो रहा है, आज गणतंत्रता खतरे में है। आज अगर हम लोग एक नहीं हुआ, आज अगर हमने एक आवाज में बात नहीं किया, तो भविष्य में हम लोगों का कुछ नहीं रहेगा। ये हमारा लास्ट फाइट है, ये हमारा लास्ट फाइट है, और ये फाइट कभी हम नहीं जी सकते जब तक हमारा बुरुई, हमारा पुमा, हमारा TWF हमारा साथ नहीं होगा, कभी नहीं जी सकते। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के, आपका राजा आपका हाथ जोड़ के आपको बोल रहा है, अपना वोट को मत बेचो, अपना अधिकार को मत बेचो, अपना बच्चा का भविष्य को मत बेचो, अपना देश को मत बेचो। ये फाइट अब मेरा बारी नहीं है, ये फाइट आपका है, आपने इतना प्यार दिया है, इस बार सिर्फ एक महीना बाकी है। इन लोगों को जिसका अहंकार इतना है, इनका अहंकार को तोड़ो, इनका अहंकार को तोड़ के वापस दिल्ली भेजो इनको। ये हमारा राज्य है, ये हमारा अधिकार है, एंड देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, हाँ कि नहीं? आवाज क्या हो गया बोलो, हाँ कि नहीं? मीडिया देख लो, ये हमारा रैली है, और वो था नड्डा जी का रैली। नेक्स्ट टाइम नड्डा जी आपको आना है तो यहां में हमको बोल के आइए, हम आपका खातिरदारी करेंगे। लेकिन कुमुल आके, एडीसी इलाका आके, आप दिल्ली का बारे बात मत करो, पाकिस्तान के बारे बात मत करो, आप चाइना के बारे बात मत करो, आप तीसरा साथ के बारे बात करो,
सब लोग कुबागरा आपको बोल रहे हैं, सब लोग एक हाथ उठाओ, दिल में रखो, खड़ा हो। जब पुरुष लोग जवाब शपथ लेता है ना तो अलग है। इस बार कुमार गुरुई हमारा हाथ का रक्षा करेगा, जैसा मां त्रिपुरा सुंदरी मां मंगल चंडी करता था, आज से हमारा महिला हम लोगों का औरत उन लोगों को जवाब देगा। दिल में हाथ रखे सब लोग, यहां में 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड, यहां में दिल रखो, आंख बंद करो और अपना हा के बारे सोचो, अपना देश के बारे सोचो, अपना जाति के बारे सोचो और सोचो कि अगर हिंसा रहा तो हमको क्या मिल सकता है। 70 साल से थानसा नहीं था, कुछ नहीं मिला, आज अगर एकता थानसा मिला तो क्या मिल सकता है। आंख बंद करके सोचो, कैसा है सर, शांति मिला ना, सुकून मिला ना। सिर्फ 30 सेकंड में आपको ये मिला है। 30 दिन रुक जाओ, किसी से नफरत मत करो। आपका दुश्मन कोई बंगाली, मुसलमान, बुद्धिस्ट, हिंदू, मणिपुरी नहीं है। आपका दुश्मन आपका लालच है, आपका दुश्मन आपका नेता है, आपको लालची करके आपको इस्तेमाल किया है। आपका बुबागरा पॉलिटिशियन नहीं है, आपका बुबागरा आपका ही बुबागरा है। अपना देश को राजा नहीं बेचता है, अपना लोगों को बुबागरा नहीं बेचता है। और ये फाइट इस बार बुरुई सामने से लीड करेगा और हमारा बुरुई रानी झांसी जैसा, सेंकुमा जैसा हमारा बुरुई इस बार दिल्ली का पार्टी को दिल्ली भेजेगा। आप लोग रेडी हैं तो मेरे साथ चीनी हो, चीनी हो, चीनी हो, चीनी हो। अब मैं देखना चाहता हूं कि हमारा पूरे के पास कितना पावर है। ठीक है, सब मीडिया लोग, स्पेशली जो खुमुलों माने से डरता है, आप लोग यहां आइए, आपको कवरेज दे रहा हूं, थोड़ा कवर कीजिए। अगरतला का न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आता है, सिर्फ अलायंस होगा, अलायंस होगा, अलायंस होगा, अलायंस। थानसा को भी अलायंस बोलता है, थानसा को भी अलायंस बोलता है। आप लोग यहां मैं देवरा जाओ, कम 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 पूजा लोग चलो, एक बार पिनाकी प्लीज कम आइए, आइए कवर कीजिए। आप लोगों को मौका दे रहा हूं, मौका देना चाहिए कि नहीं। सिर्फ मोदी जी का रैली को कवर करता है, पीपरा सा का रैली को कवर नहीं करता है। मैं बोलूंगा पीपरा सा आई डॉक्टर, पहले आप लोग यहां से यहां बोलो, तब यहां से यहां, ठीक है, पहले यहां से यहां पीपरा सा।
यहां से यहां तीन पैसा तीन पैसा तीन पैसा आप सब लोग नो बंगाली नो तीन पैसा नो हिंदू नो क्रिश्चियन नो मुस्लिम नो बुद्धिस्ट और एक आवाज में फट से होंगे सब लोग टीवी बासा टीवी बासा टीवी बासा गले बनाए ना हम भाई तीतरा मोथा आई लोग तो टीडब्ल्यूएम आई लोग तो गुरु बदल आई लोग तो गुरु बदल आई लोग तो वाइफ